आज जानेंगे ऐसे 10 कारणों के बारे में। अगर इनके बारे में आपने नहीं समझा, आपको अगर पाइल्स की शिकायत है और इन चीज़ों को आपने निग्लेक्ट किया, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आपकी ये समस्याएं बढ़ सकती है। क्या इसका कारण होता है, क्यों ये समस्याएं बढ़ती है, यही इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहला कारण है लंबे समय तक बैठे रहना। अगर आप सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, या आजकल हम बच्चों को भी देखते हैं, या आप में से भी काफ़ी लोगों को ऐसी आदत होंगी कि बहुत देर तक टीवी के सामने बैठे रहना। बच्चों में हम देखते हैं मोबाइल पे, इंटरनेट पे काफ़ी देर तक, लंबे समय तक, 5 से लेके 8-9 घंटे तक के बैठे रहते हैं। इससे क्या होगा, आपका वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपका जो डाइजेशन है वो खराब हो जाएगा, आपका पचन बिगड़ जाएगा। इसकी वजह से आपको क्रॉनिक कंस्टिपेशन हो सकती है, और इस क्रॉनिक कंस्टिपेशन या कब्जियत की वजह से फिर हम लैट्रिन में प्रेशर लगाते हैं, जोर लगाते हैं। इससे आपकी जो लैट्रिन की जगह पर वेंस है, खून की नसें है, उसमें प्रेशर आके पाइल्स की समस्या और बढ़ सकती है। इसीलिए अगर ये गलती आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने आज से ही एक ट्रीटमेंट शुरू करना है। ये फ्री में ट्रीटमेंट आपके लिए उपलब्ध है, और वो ट्रीटमेंट है रोज थोड़ा पैदल चलिए, कम से कम 30 मिनट तक आपने चलना चाहिए। आप ब्रिस्ट वॉक भी कर सकते हैं, यानी कि फास्ट चलना भी आप चालू कर सकते हैं। इससे भी आपके बोवेल मूवमेंट्स अच्छे होंगे, आप एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। दूसरा कारण है वजनदार चीज़ों को उठाना, वजन उठाना। स्पेशली मैं यंगस्टर्स में देखता हूँ, जिम ज्वाइन करते हैं और हेवी वेट उठाने लगते हैं। सो हेवी वेट लिफ्टिंग अगर आप करते हैं, या फिर कोई भी ज़्यादा वजनदार चीज़ें अगर आप उठाते हैं, तो इससे आपके इंटेस्टाइन के ऊपर तो प्रेशर आएगा ही, आपके लैट्रिन की जगह पर प्रेशर आएगा, जिससे एक्सटर्नल यानी कि बाहरी पाइल्स, मस्सा जिसे हम कहते हैं, मस्से वाला बवासीर आपको उत्पन्न हो सकता है। और इसीलिए आपने ध्यान रखना है, एकदम से वजन नहीं उठाना है। तीसरी मुख्य गलती जो लोग करते हैं वो है कब्ज और दस्त, दोनों को, कंस्टिपेशन और डायरिया दोनों को हल्के में लेते हैं। काफ़ी दिनों तक कब्ज चलते रहता है और लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये फैक्ट है कि अगर आपको काफ़ी दिनों तक कब्जियत की शिकायत है, तो फिर आपको एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स या स्किन टैग्स, मस्से जिसे हम कहेंगे, इस तरह के लैट्रिन की जगह से इस तरह के मस्से बाहर आ सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको दस्त लगते हैं, बार बार डायरिया होता है, इससे भी आपकी तकलीफें बढ़ सकती है। और इसीलिए इसे हल्के में न लेते हुए कारण तक पहुंच के इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर को दिखाइए, जांच कराइए और इसकी पूरी ट्रीटमेंट कीजिए। चौथा कारण जो आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, वो है स्ट्रेस, तनाव और चिंता। अति तनाव और चिंता आपको मेंटली तो परेशान करते ही है, इससे एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी समस्याएँ तो होती ही है, साथ में आपकी जो बोवेल मूवमेंट है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, वो भी स्लो हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, जिससे आपको कब्जियत की शिकायत हो सकती है, कंस्टिपेशन, और फिर सुस्त रहने के बाद में आप बहुत देर तक बैठे रहेंगे, इससे भी आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। और आपको पाइल्स की समस्या अगर है, तो ये बढ़ सकती है, जटिल हो सकती है, और इसीलिए आपने एंजाइटी का और स्ट्रेस का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, इसके लिए भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और दूसरी ज़रूरी बात, एक्सरसाइज के ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए, पैदल चलना शुरू कर देना चाहिए। पांचवा कारण और बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो है पेट साफ होने के लिए कोई दवाइयों का लॉन्ग टाइम तक सेवन करना। हो सकता है आपको डॉक्टर ने लिख के दी हो कोई लैक्सेटिव, या फिर कोई स्टूल सॉफ्टनर आपको लिख के दी है, वो शायद 8 से 10 दिन के लिए आपको उन्होंने दिया है। लेकिन मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, एक बार पेट साफ हो गया, उसी दवाई को बार बार मेडिकल से लाते रहते हैं, और फिर वो हैबिचुअल हो जाते हैं ऐसी दवाइयों के। आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, पेपर में आते हैं, आप नेट पे कहीं पे भी देखते हैं, वो आप चूर्ण ले लेते हैं, उसको खाते रहते हैं। इससे क्या होगा, इसकी आदत आपको लग जाएगी और फिर ये आपको पाइल्स तक भी पहुंचा सकता है। इसीलिए याद रखिए, अगर आपकी उम्र कम है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने लैक्सेटिव्स या चूर्ण वगैरह लेना ही नहीं चाहिए। उसकी बजाय ये क्यों हो रहा है, आपको डाइजेशन क्यों अच्छा नहीं है, क्या आपके खाने में कमी है, इसका आपने डायग्नोसिस करना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। जड़ तक अगर पहुंचेंगे, कारण को ठीक करेंगे, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। उसको ऊपरा ऊपरी सिर्फ पेट साफ करने की दवाई या लैक्सेटिव लेना, ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। 6 नंबर की गलती जो बहुत ही लोगों में आजकल बढ़ गई है,
लोग क्या करते हैं, टॉयलेट में जाते वक्त मोबाइल साथ में लेके जाते हैं और फिर बहुत देर तक बैठे रहते हैं। 15 मिनट से लेके आधे आधे घंटे तक लोग वहाँ पे बैठते हैं। आप जब बैठते हो तो आपकी लैट्रिन की जगह पे प्रेशर बनता है, स्ट्रेन होता है और इसकी वजह से ये समस्या बढ़ सकती है। याद रखिए, 10 मिनट से ज़्यादा आपको टॉयलेट में नहीं बैठना है, मोबाइल साथ में नहीं लेके जाना है। सातवीं गलती, सातवां कारण जो आपने समझना चाहिए वो है, आपको लैट्रिन की जगह पे नाखून से नहीं खुजाना है। अगर पाइल्स की समस्या है तो उस जगह पर खुजली होती है, एनल रीजन में इचिंग कॉमनली होती है, खुजाने का मन करता है। फिर आप अगर जोर से वहाँ पे खुजाते हैं तो इससे भी आपको तकलीफ बढ़ सकती है। आठवीं गलती, हार्ड सरफेस पे बहुत देर तक आपको नहीं बैठना है। इससे क्या होगा, आपकी लैट्रिन की जगह पर प्रेशर बन जाएगा जिसकी वजह से तकलीफें बढ़ सकती है। इसीलिए अगर आप कहीं हार्ड सरफेस पे बैठते हैं तो सॉफ्ट सा एक पिलो आप ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। नंबर 9, कॉमन मिस्टेक, समय पर लैट्रिन को नहीं जाना। आप किसी काम में बिजी है, आपको टॉयलेट के लिए जाना है तो आप उसको रोक के अगर रखते हैं, इससे क्या होगा, प्रेशर बन जाएगा, वेंस के ऊपर दबाव बनेगा, पाइल्स की शिकायत बढ़ सकती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रोज आपका टाइम फिक्स कीजिए, उस वक्त आप जाके बैठिए। कुछ दिनों के बाद आप हैबिचुअल हो जाएगी, आपको आदत लग जाएगी, तो आपके टाइम को शेड्यूल कीजिए। 10 नंबर की गलती, ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करना। कॉफ़ी से कंस्टिपेशन होता है, कब्जियत की शिकायत बढ़ जाती है और इसीलिए कैफीन वाली जो चीज़ें हैं वो आपने अवॉइड करनी चाहिए। उसी के साथ और एक चीज़ आप याद रखिए, खान पान में आपने क्या लेना चाहिए, इसके ऊपर मेरा ये वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखिए। दूसरी बात जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, होम्योपैथी से बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो सकते हैं। इन सभी कारणों को तो आपको हटाना ही है, साथ में आप होम्योपैथी की दवाई लीजिए ताकि पूरी तरह से जड़ से आप ठीक हो जाए। लेकिन खुद के दिल से कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। तो याद रखिए, पाइल्स को समझ के, इसके कारणों को हटा के, सही ट्रीटमेंट करके आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।